नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु वाजपेयी। आज आप जानकारी पाएंगे कि आईटीआई के बाद में कौन कौन सी जॉब यानी कौन कौन सी सरकारी नौकरियां, कहां कहां आपको सरकारी जॉब मिल सकती हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे वाली बटन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आईटीआई में प्रवेश प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और लगभग सभी लोगों के मन में ये दुविधा रहती है कि आईटीआई करने के बाद में मुझे जॉब कहाँ लगेगी, वो भी गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का इतना ट्रेंड है। लोगों के मन में गवर्नमेंट जॉब के लेकर के एक ऐसी धारणा है कि मुझे कोई भी कोर्स करना है, पॉलिटेक्निक कोर्स हो, डिप्लोमा कोर्स हो या आईटीआई ही क्यों कोर्स हो, उसको करने के बाद में गवर्नमेंट जॉब सबसे पहले स्टूडेंट देखता है। तो आज हम बताएंगे इस कोर्स के अंतर्गत कि आईटीआई के बहुत सारे ऐसे कोर्स होते हैं जो टेक्निकल होते हैं कोर्स, और बहुत सारे ऐसे भी कोर्स होते हैं जो नॉन टेक्निकल कोर्स होते हैं। इन कोर्सों में कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जो एक साल के होते हैं, एससीबीटी के द्वारा संचालित किए जाते हैं, और कुछ कोर्स ऐसे भी होते हैं जो दो वर्ष के होते हैं और एनसीबीटी के द्वारा संचालित किए जाते हैं। इन दोनों प्रकार के कोर्स को करने के बाद में, चाहे आप एक साल का कोर्स एससीबीटी करो या फिर दो साल का एनसीबीटी करो, इनसे आईटीआई करने के बाद आप गवर्नमेंट कहाँ पा सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं गवर्नमेंट जॉब की। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे बड़ा जो नियोक्ता जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों में आपका भेल, गेल, सेल और IOCL और बहुत सारे जो भारत सरकार के मिनि रत्न, नवरत्न और महारत्न कंपनियां होती हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आईटीआई की जो जॉब है वो निकलती रहती है। और जो दूसरा है गवर्नमेंट जॉब देने का एक माध्यम, वो है रेलवे। रेलवे में भी आईटीआई धारकों के लिए दो प्रकार की वैकेंसी निकलती हैं, टेक्नीशियन की और लोको पायलट की, वहाँ भी आप जॉब पा सकते हैं। टेलीकॉम सेक्टर में ONGC और भारत सरकार के तमाम ऐसे उपक्रम हैं जो आईटीआई करने के बाद में लोगों को मौका देते हैं एज ए परमानेंट एम्प्लाई। अब बात करते हैं राज्य सरकार की। तो राज्य सरकार के PWD विभाग में, नलकूप विभाग में व परिवहन विभाग में आईटीआई करने के बाद में वैकेंसी निकलती हैं आईटीआई धारकों के लिए, तो वहाँ भी आप आईटीआई करके अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि राज्य सरकार PWD विभाग हो गया या फिर सिंचाई विभाग हो गया या फिर परिवहन विभाग में, उसमें कुछ चुनिंदा ट्रेडें ही मांग होती है, तो वहाँ पे कुछ चुनिंदा ट्रेडों की ही जॉब लग पाती है। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि वहाँ वैकेंसी क्रिएट जरूर होती है। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो भारतीय सेना में यानी सशस्त्र सेनाओं में, डिफेंस में, डिफेंस का मतलब ये हो गया कि जो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के द्वारा संचालित होते हैं, चाहे वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ हों, चाहे MES हो या फिर DRDO हो, वहाँ पर भी आप गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब आईटीआई करके पा सकते हैं। हमने अगर आर्मी की बात करी है तो आर्मी के में अर्धसैनिक बलों में भी BSF, CRPF और असम राइफल्स, SSB में भी टेक्नीशियन की पोस्ट आईटीआई धारकों के लिए निकलती हैं, वहाँ भी आप आराम से जॉब पा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आपने आईटीआई किस ट्रेड सीखी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे ट्रेड होती हैं जिनकी वैकेंसी काफ़ी मात्रा में क्रिएट होती हैं। उनमें आपका फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, मशीनिस्ट हो गया, वाटरनर हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये ट्रेड और MME ट्रेड भी इसमें जोड़ सकते हैं हम। ये ट्रेडें एक ऐसी ट्रेडें हैं जिनकी भारत सरकार यानी गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी अच्छी मांग होती है और वो अच्छी वैकेंसी क्रिएट होती हैं इसकी। तो अगर आपने इन ट्रेडों से आईटीआई किया है तो काफ़ी चांस हैं कि आप गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब पा सकते हैं। वैसे तो आईटीआई की जितनी भी ट्रेड होती हैं सभी की वैकेंसी निकलती हैं, लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि कम या ज़्यादा वैकेंसी की मात्रा हो सकती है। दोस्तों, एक और पॉइंट मैं जोड़ना चाहूँगा कि आईटीआई करने के बाद जो लोग अप्रेंटिसशिप करते हैं संबंधित विभाग या संबंधित डिपार्टमेंट से, उनको भी काफ़ी चांस हो जाते हैं गवर्नमेंट जॉब के। अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है तो काफ़ी चांस बन जाते हैं कि आपकी रेलवे में कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी। ये जॉब निकलती है तो उसमें आपको प्रेफरेंस दिया जाता है। ऐसा ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में या MES या DRDO में भी होता है कि अगर वहाँ वैकेंसी क्रिएट होती हैं, निकलती हैं, तो वहाँ पे कुछ परसेंटेज आपको छूट मिलती है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप आईटीआई करने के उपरांत सरकारी जॉब पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उस सेक्टर की अप्रेंटिसशिप को वरीयता जरूर दें। तो ये तो थी आईटीआई करने के बाद आप कहाँ कहाँ
सरकारी जॉब पा सकते हैं। तो जाहिर है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ परसेंटेज भी वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।